हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद दांगड़ा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, प्लस टू का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से हम कर रहे थे और उम्मीद करता हूं कि जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको करवा दिए स्टूडेंट्स, हमने इस चैनल पर थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स वाला और मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ वो सारा समझ में आया आपके। जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं वो बच्चे पहले उन लेक्चर्स को भी ज़रूर देखें। और स्टूडेंट्स, अगर बाय द वे आपको कोई दिक्कत होती है, किसी भी टाइप की कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, वो अगर आपको सॉल्व करवानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। और कोई बच्चा अगर मेरे पास डायरेक्ट व्हाट्सअप करना चाहता है अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने सम को, तो स्टूडेंट्स मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर आपको अपना कमेंट कर देना है, अपनी प्रॉब्लम है वो शेयर कर देनी है। स्टूडेंट उसी टाइम क्या पता मैं आपको सोल्व करके ना भेज पाऊँ, लेकिन जब भी मैं उस प्रॉब्लम को देखूँगा उसी टाइम आपको सोल्व करके आपके पास भेज दूँगा। समझ में आ रही बेटा बात? कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक काम और करना है बेटा कि आपसे मैं किसी भी प्रकार का कोई फीस या कोई चार्ज नहीं ले रहा, सिर्फ एक चार्ज लूँगा। वो क्या करना है आपको कि थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करवाना है, और वीडियो अच्छी लगे तो आपको थंब इम्प्रेशन लगा के यानी लाइक का बटन प्रेस करके ये मेरे को बताना है कि सर हमारी समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी वीडियो आ रही है। अगर आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहे तो हम गारंटी लेते हैं स्टूडेंट्स कि आपको बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर हमने रिलेशन से रिलेटेड कुछ सम कर लिए थे इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर। आज हम स्टूडेंट्स करते हैं सेकेंड सम 1.1 एक्सरसाइज का। फर्स्ट जो सम था अपना उसके अंदर क्या थे कि एक ही सम के 5-6 पार्ट दे रखे थे, तो वो हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर कर लिए। आज हम करते हैं स्टूडेंट्स अपना सेकंड सम। सेकंड सम है क्या स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। स्टूडेंट पढ़ते जाइए, स्टेटमेंट क्या दे रखी है अपने को, स्टेटमेंट दे रखी है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। स्टूडेंट्स शुरू वाला जो आर दे रखा है ना वो तो है रिलेशन, और जो डार्क कलर में आर दे रखा है वो अपने पास क्या बेटा, रियल नंबर है। कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइन एज आर इज इक्वल टू ए बी वेयर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री नॉर ट्रांजिटिव। कहते हैं कि हमारे पास रिलेशन है किस में डिफाइन है स्टूडेंट्स, रियल नंबर के अंदर। कहता है वो डिफाइन कैसे है, ए बी की फॉर्म में आपको ऑर्डर पेयर उठाने हैं जहां पर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। ठीक है बेटा, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्री है, ना ही ट्रांजिटिव है, ये अपने को प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसने क्या बात बोल रखी है, अपने पास नंबर कौन से हैं, रियल नंबर है। और रियल नंबर का मतलब क्या बेटा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 1 to 10, 1 से लेके 10 तक ही आप एग्जांपल उठा रहे हैं ना, लेकिन वो नहीं करने हैं अपने को। आपको रियल नंबर बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट्स वाले, जो डिवाइड वाले, समझ में आ रही बात, रूट वाले, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में सारे के सारे जितने भी दुनिया के अंदर काउंटिंग है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो अब हम जब रियल नंबर वाला करेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है बेटा, रिफ्लेक्सिव। देखिए रियल नंबर दे रखा है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ आपको रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए। देखिए अपने को पता बेटा कि जो रियल नंबर होता है उसमें फ्रैक्शन फॉर्म में 1/2, 1/2, 1/4, 1/4, 1/3, 1/3 आएगा ना क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कहीं ना कहीं जाके। तो मैं ये 2-3 एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, 1/2 और 1/2, 1/3 और 1/3, ये करके देखते हैं। अगर इन पे सेटिस्फाई होगी कंडीशन तो वो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें पुट करके देखता हूँ, तो ये तो ए की जगह, ये बी की जगह इसमें पुट करो, 1/2 less than equal to 1/2 का स्क्वायर करूँगा कितना बनेगा बेटा, 4। समझ में आ रहा है ना, तो 1/2 कभी भी 1/4 से लेस नहीं होता, ना ही उसके इक्वल होता। अरे 1/2 का मतलब बेटा 0.5 और 1/4 का मतलब बेटा 0.25, तो ये लेस देन इक्वल टू कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 0.25 छोटा है, 0.5 बड़ा है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दो स्टूडेंट्स, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है बेटा, उसके बाद में हमें चेक करना था सिमेट्री।
और सिमेट्री के अंदर बेटा बिल्कुल, इसमें तो आप देखो यहाँ पर मैंने फ्रैक्शनल फॉर्म इसलिए लिए क्योंकि रियल नंबर दिया हुआ था। अब अगर बाय द वे आप यहाँ पे वन वन ले लेते ना तो वन लेस देन इक्वल टू वन का स्केयर होता श्योर, अगर टू लेते तो टू लेस देन इक्वल टू टू का स्केयर यानी टू लेस देन इक्वल टू फोर होता ना, तो यानी हर एक जगह कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती अगर हम नेचुरल नंबर लेते तो। लेकिन हमें बोला गया था रियल नंबर, तो रियल नंबर ये भी तो होते हैं, तो हमने ये एग्जाम्पल उठाए हैं। समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में सिमेट्री, अब इसके अंदर मैं वन टू ऐसे चेक कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है वन का स्केयर लेस देन क्या होता है टू का स्केयर, यानी वन सॉरी वन लेस देन इक्वल टू टू का स्केयर, तो वन लेस देन इक्वल टू फोर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसका उल्टा चेक करता हूँ, टू वन, टू वन जो क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास बनेगी रियल नंबर की उसके अंदर होगा श्योर होगा। अब मेरे को क्या करना बेटा कि ये जो है ना टू मेरे को चेक करना लेस देन इक्वल टू वन का स्केयर, यानी इसके स्केयर से होना चाहिए छोटा या बराबर, तो दो लेस देन इक्वल टू एक होता है क्या? कभी भी नहीं होता, इसका मतलब ये सिमेट्री भी नहीं है। तो यहाँ पर लिख दोगे बेटा इट इज नॉट सिमेट्री, बिल्कुल आसान सम है बेटा। बस बेसिक बात अगर आपने सीख ली ना तो सारे के सारे सम हो जाएंगे। वीडियो को शेयर करना बेटा, लाइक भी करना है, समझ में आ रही बात। उसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव के अंदर क्या है वो ऑर्डर पेयर उठाएंगे जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। वो क्यों उठा रहा हूँ मैं? इसलिए उठा रहा हूँ बेटा क्योंकि इसने बोला है कि शो दैट द रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्टिव नॉर सिमेट्री नॉर ट्रांजिटिव, तो हम वो ऑर्डर पेयर उठा लेते हैं जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो उसके बाद में अपने पास आ जाए बेटा, एक तो मैंने उठा लिया वन बाय थ्री और माइनस थ्री। देखो बेटा वन बाय थ्री है ना, वो लेस देन इक्वल टू होगा किसके? माइनस थ्री के स्केयर के। देखो वन बाय थ्री लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री का स्केयर, तो वन बाय थ्री लेस देन इक्वल टू नाइन होगा कि नहीं होगा? श्योर होगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद में बेटा मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर पे उठा लेता हूँ थ्री एंड प्लस का वन बाय टू। अब देखिए माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू वन बाय टू का स्केयर होगा कि नहीं होगा? माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू वन बाय फोर, और ये तो नेगेटिव नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब मेरे को चेक क्या करना है बेटा, वन बाय थ्री और वन बाय टू ऑर्डर पेयर में आएगा कि नहीं आएगा? तो वन बाय थ्री और वन बाय टू ऑर्डर पेयर में आएगा, पहले तो ये चेक कर लिया। उसके बाद में कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो वन बाय थ्री लेस देन इक्वल टू वन बाय टू का स्केयर, तो मैंने देखा वन बाय थ्री लेस देन इक्वल टू वन बाय फोर बन गया। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेटा ये तो तीसरा हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा है वन का, तो तीसरा हिस्सा बड़ा होता है चौथा हिस्सा छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है, तीसरा हिस्सा छोटा दिखाया जा रहा है और चौथा हिस्सा बड़ा दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो आप यहाँ पर लिख दोगे इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो हैंस वी कैन से दैट द रिलेशन गिवन रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री नॉर ट्रांजिटिव। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरीके से आपको ये सम सोल्व करने हैं बेटा। आगे वाला सम आपको यहाँ पर हो सकता है ए लेस देन इक्वल टू बी की पावर थ्री दिया हो, समझ में आ रहा है, तो उसको भी इसी तरीके से सोल्व करना है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको दिक्कत लगती है बेटा तो मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे, उस पर आप अपना कमेंट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट सम जो अपने को दे रखा बेटा उसकी स्टेटमेंट पढ़िए, अपना मैथ रफ नोटबुक और पेन पास में लेके बैठा करो क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो साथ के साथ लिखते जाओगे आपको सम आते जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बेटा। तो नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सम अपने को क्या दे रखा है बेटा 1.1 एक्सरसाइज के अंदर थर्ड सम दे रखा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड सेट 1, 2, 6, 1 से लेकर 6 तक है, और रिलेशन अपने को डिफाइन कर रखा है बेटा ए बी, जहाँ पर बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 नाइदर रिफ्लेक्सिव सॉरी इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव, अपने को चेक करना ही है। तो देखिए अपने को रिलेशन सेट क्या दे रखा है बेटा, सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है बेटा वो क्या दे रखा है अपने को कि ए बी की फॉर्म में आपको ऑर्डर पेयर उठाने हैं जहां पर बी वो हो किसके इक्वल बेटा ए प्लस वन के इक्वल हो। बस तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कर रहा हूँ, पहले वाले में तो नहीं की, इसलिए नहीं की बेटा क्योंकि वहां पर रियल नंबर था और रियल नंबर अपने को दे तो नहीं रखा था ना, यहां से लेके यहां तक रियल नंबर तो जितने मर्जी हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं,
तो उनकी मल्टीप्लाई यानी क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अपने पास यहाँ पर तो सिर्फ 6 ही एलिमेंट्स है, उनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है तो आप कर लेते हैं। तो देखिए ए क्रॉस ए, यानी अगर ये सेट ए होता तो इसकी इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता तो क्या बनता बेटा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे ही बेटा चलता जाता और लास्ट में अपने पास क्या बनता, 6 6। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपने पास 2 1 2 2 2 3 ऐसे करके 2 6, फिर 3 वाली आता 3 6 तक, फिर 4 4 6 तक, 4 5 वाला 5 6 तक, और फिर 6 वाला 6 6 तक। अब अपने को चेक करना बेटा क्या, रिफ्लेक्सिव बेटा, इसी तरीके से जुड़े रहना है, ठीक है ना। बड़ा ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार सेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर बेसिक बात सीख ली तो इंटरेस्टिंग है, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, बेसिक बात ज़रूर सीखनी है इसकी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ऑर्डर पर उठा लेते हैं, सेम सेम वाले 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये ऑर्डर पर उठा लिए। अब बेटा देखो, मैंने आपको ये बताया था कि अगर सेम सेम और एलिमेंट्स वाले ऑर्डर पेयर हो तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। कब होता है, जब दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तब होता है। तो कंडीशन अपने पास ये है, देखो ए की जगह मैं 1 पुट करूंगा, बी की जगह 2 1 पुट करूंगा, ऐसे ही 2 वाले में 2 2 पुट करूंगा, तो करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर बी की जगह 1 पुट किया इज इक्वल टू, इसकी जगह 1 पुट किया प्लस में 1, तो 1 इज इक्वल टू 2 होता है क्या बेटा, कभी नहीं होता। इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसके बाद में 2 2 वाला लेके चलते हैं, तो b की जगह भी 2 और a की जगह भी 2, 2 प्लस 1 तो 2 इज इक्वल टू 3 होता है क्या, कभी भी नहीं होता। इसका मतलब ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव फॉर एनी नंबर ऑफ सेट ए, सेट ए के किसी भी नंबर यानी किसी भी एलिमेंट्स के लिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद में ये फर्स्ट हो गया बेटा। सेकंड अपने को चेक करना था क्या, सिमेट्री। और बेटा मैंने आपको ये बताया है कि सिमेट्री के अंदर क्या करना होता है कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर होता है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो एक ऐसा ऑर्डर पेयर आप कौन सा उठा सकते हैं, देखिए अपने पास क्या है बी ए वन, ये दे रखा ना। तो आप एक चीज़ सोच के देखो बेटा कि B है, यहाँ पर मैं क्या वैल्यू पुट करूँ और यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये दोनों इक्वल आ जाए, फिर भी नहीं पता चल रहा। तो आपको क्या करना है, इस B और A में से किसी एक की जगह इन में से कोई भी वैल्यू पुट कर लो, एक एक वैल्यू कोई भी बेटा। 6 पुट ना करना, क्योंकि 6 पुट करोगे तो ये 6 पुट करते 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाँ B की जगह पुट कर सकते हैं हम 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम A की जगह पुट करते हैं बेटा, पुट A इज इक्वल टू, A की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ बेटा, 1 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये 1 पुट करूँ तो b इज इक्वल टू क्या आ जाए बेटा, 1 प्लस 1, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। ये ऐसा ऑर्डर पेयर है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसका उल्टा चेक करता हूँ, उल्टा मेरे पास क्या बनेगा बेटा, 2 और 1, ये बनेगा ना। इस पर मैं कंडीशन अप्लाई करवाता हूँ, तो a की जगह 2 पुट करना है, b की जगह 1 पुट करना है वहां पर। समझ में आ रहा है, मैंने पुट करके देखा, देखो ए की जगह कितना पुट करना है 2 और बी की जगह 1, तो यहाँ पे पुट करता हूँ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, क्या 1 इज इक्वल टू 3 होता है, कभी भी नहीं होता। इसका मतलब ये कौन सा नहीं है बेटा, अपने पास सिमेट्री भी नहीं है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में थर्ड हम करते हैं, थर्ड अपने पास क्या था बेटा, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव के अंदर मैंने आपको बताया था बेटा कि 2 ऑर्डर पेयर ऐसे होते हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब एक चीज़ देखो बेटा, हर एक सम में हम देख रहे हैं कि ये ऑर्डर पेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, इसका मतलब पहले वाले से आगे वाला एक ज़्यादा है, बस सिंपल सी बात यही है। तो देखिए मैंने 1 2 उठा लिया, दूसरा ऑर्डर पेयर 2 और 3 उठाऊंगा। 2 और 3 क्यों उठाया, इसलिए उठाया बेटा कि देखो 1 में 1 ऐड करूंगा तो 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करूंगा तो 3 आएगा। और ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट और उससे आगे वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होते हैं, ये हम ट्रांजिटिव के अंदर चेक करते हैं। तो दोनों को सेम रख दिया। अब मेरे को चेक करना बेटा इसका फर्स्ट और इसका लास्ट 1 3 क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा कि नहीं आएगा, श्योर आएगा। अब 1 3 पे कंडीशन अप्लाई करता हूँ, 1 3 पे कंडीशन बी की जगह 3 और ए की जगह 1, यहाँ पुट करता हूँ स्टूडेंट 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 3 इज इक्वल टू 2 आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई
नहीं कर रहा तो अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो आप बोल दोगे द गिवन रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव नोर सिमेट्रिक। समझ में आ गई? इस तरीके से ये सारे सम आपको सोल्व करने हैं बेटा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे सम सोल्व कर लोगे। उसके बाद में सिक्स हम करते हैं बेटा, सिक्स सम, क्योंकि फिफ्थ सम जो दे रखा ना वो आपको दे रखा है बेटा क्या, ए लेस देन इक्वल टू बी। अभी हमने स्क्वेयर वाला किया था ना, उसी तरीका क्या करना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर दोगे उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट हम अपने को दे रखा बेटा, शो दैट द रिलेशन आर ऑन दिस सेट 1 2 3 1 2 3, अपने को एक सेट दे रखा है, एंड आर इज इक्वल टू 1 2 2 1। अब की बार बेटा अपने को सेट तो दे रखा था, वो दे रखा है 1 2 3, और रिलेशन इसने खुद ने डिफाइन कर रखा है वो क्या, 1 2 और 2 1। अब एक बात बताऊं बेटा मैं आपको कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने दे रखा है पहले, ये क्रॉस प्रोडक्ट ही इसने दे रखी है। समझ में आ गई बात? तो अब हमें चेक करना है बेटा, इसने बोला कि शो दैट दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव बट सिमेट्री, ये सिमेट्री है, ये अपने को चेक करना था, बस इतनी सी बात थी शायद। हाँ तो देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए अपने को क्या करना पड़ता है बेटा, सेम सेम वाले ऑर्डर पेयर उठाने पड़ते हैं, तो सेम सेम वाले उसमें ऑर्डर पेयर है क्या, है ही नहीं ना, तो आप बोल दोगे इसको इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद में बेटा सिमेट्री, सिमेट्री के अंदर क्या होता है, सिमेट्री के अंदर होता है कि फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट के साथ रिलेशन और सेकंड का फर्स्ट के साथ होता है रिलेशन, तो ये तो दे ही रखा है इसमें, इसका मतलब ये क्या बनता है अपने पास, सिमेट्री बनता है। देखिए बेटा इसमें कंडीशन नहीं दे रखी, कंडीशन नहीं दे रखी तो हमें जो दे रखा उसी के बेस पे हम चलेंगे। उसके बाद में बेटा ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है कितने ऑर्डर पेयर चाहिए, 3 ऑर्डर पेयर चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अपने पास सिर्फ एक ही है, उसका उल्टा दूसरा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्री बन गया, बाकी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों ही नहीं है। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान सा सम था अपना। नेक्स्ट बेटा सम करवाता हूँ, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय एक्स वाई एंड एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बेटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम है, देखो कहता है कि कोई सेट बना लिया हमने, मान लिया ए है, ठीक है, उसके अंदर अपने पास सेट किस चीज़ का है, वो बुक्स का है, कौन सी बुक्स का, कॉलेज के अंदर बुक्स पढ़ी है उनका, तो स्टूडेंट अपने को नहीं पता कौन कौन सी बुक है, मैंने मान लिया बेटा B1 B2 और B3, तीन ही बुक्स मान ले, कितनी मर्जी हो सकती है लेकिन आपने तीन मान ली। अब देखो इसने बोला कि ये चीज़ शो करो आप कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है। कैसे पता चला? ऐसे पता चला बेटा क्योंकि इसके अंदर ये लिख रखा है कि शो दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है बेटा, द रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्री भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। समझ में आ रही ना बात? तो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, अपने को भूल जाना है कि ये बुक्स है कि कुछ है, अपने सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो देखो B1 की B1 के साथ, तो B1 B1, उसके बाद में B1 B2, उसके बाद में B1 B3, उसके बाद में बेटा B2 और B3, उसके बाद में बेटा अपने पास आ जाए B3 B1 B3 B2 और B3 और B3। बेटा मैंने बी भी क्यों लिखा है, बी इसलिए लिखा है क्योंकि बुक्स की बात हो रही थी तो हमने बुक्स लिख लिया। अब अपने को चेक क्या करना बेटा, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए सबसे पहले तो रिलेशन लिख देता हूँ मैं। रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स वाई की फॉर्म में उठाना है, जहाँ पर एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी एक्स और वाई वो ऑर्डर पेयर अपने को उठाने हैं बेटा जिनके अंदर बुक्स के पेज बिल्कुल सेम हो। तो मैं रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करता हूँ, रिफ्लेक्सिव में अपने पास क्या आएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव में आएगा सेम सेम वाले, तो B1 B1 B2 और B2 और B3 एंड B3। इसी तरीके से और भी जितनी बुक्स पढ़ी है उनका सेम सेम का ऑर्डर पेयर तो बनेगा, श्योर है। अब स्टूडेंट एक चीज़ देखिए कि मान लो ये मेरे पास एक बुक है, इसी बुक को अगर मैं इसी के साथ कंपेयर करूंगा तो इसके पेज नंबर और इसी के पेज नंबर के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो सेम होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। बात समझ में आ रही है बेटा कि इस बुक के अंदर मान लो मेरे पास इसमें 450 पेजेज है, इसी को इसी के साथ कंपेयर करूंगा तो 450 पेजेज ही निकलेंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कोई दिक्कत
नहीं है ना। तो अपने पास क्या बन जाए बेटा कि बी वन बी टू बी थ्री बिलोंग टू ए फोर ऑल, सभी बी वन बी टू बी थ्री मैंने लिखा है, हो सकता है जितनी मर्जी बुक्स हो वो सारी की सारी हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, उनके बेटा पेज क्या होंगे सेम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सेम सेम खुद को खुद के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, तो खुद को तो खुद के साथ कंपेयर करोगे तो सेम ही होगा बिल्कुल। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, आप बोल दोगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद में बेटा हम चेक करते हैं सिमेट्री, और सिमेट्री के अंदर मैंने आपको बताया था बेटा एक ऐसा ऑर्डर पेयर होता है जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि बी वन बी टू, बी वन और बी टू के पेज नंबर सेम है, ये मान के चलो कि इन दोनों के पेज सेम है। क्यों मान के चले हैं? क्योंकि सिमेट्री के अंदर ये कंडीशन होती है कि एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होता है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम ये मान के चले कि बी वन बी टू कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हमें इसका उल्टा चेक करना है। उल्टा अपने पास क्या बनेगा बेटा? बी टू बी वन। अब देखिए बी टू बी वन इसके अंदर है कि नहीं है? अब देखिए बेटा ये मेरे पास एक बुक है, मान लो ये मेरे पास एक बुक है, इसके और इसके पेज सेम है। पहले तो ये मान के चलो कि ये पहली बुक ये दूसरी बुक है, दोनों के पेज सेम है। अब अगर मैं इनको ऐसे चेंज कर दूं इनकी पोजीशन, तो क्या पेज नंबर सेम नहीं रहेंगे? अगर इस दोनों में, इसमें 450 पेजेज है, इसमें भी 450 पेजेज है, समझ में आ गई बात? अगर मैंने इसको ऐसे बदल दिया तो ये भी तो 450 पेजेज ही रहेंगे ना दोनों में। ये तो है नहीं कि यहाँ से इनकी पोजीशन चेंज करते एक में ज़्यादा पेज हो गए एक में कम पेज हो गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये सिमेट्री बनेगा, तो आप लिख दोगे यस इट इज सिमेट्री। उसके बाद में बेटा तीसरा अपने को चेक करना था, वो क्या था? ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव के अंदर क्या है बेटा? ऑर्डर्ड पेयर दो ऐसे होंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम मान लेते हैं बेटा बी वन बी टू और बी टू और बी थ्री ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी इसके पेज और इसके पेज सेम है, इसके पेज और इसके पेज भी सेम है। अपने को चेक करना बेटा सबसे पहले तो बी वन और बी थ्री है कि नहीं है। तो हमने देखा बी वन और बी थ्री इसके अंदर है कि नहीं है, ये रहा है ना। अब एक चीज देखो बेटा, B1 और B2 के पेज नंबर सेम हैं, B2 और B3 के भी पेज नंबर सेम हैं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मेरे को चेक करना है इनके पेज सेम है कि नहीं है। देखो बेटा ये B2 B2, यहाँ से B1 B2, यहाँ पर B2 B3, तो B2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? B1। इसका मतलब यहाँ B1 लिख दिया तो B1 इज इक्वल टू B3 बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी B1 यानी बुक फर्स्ट के बुक थर्ड के पेज नंबर सेम होंगे। बस ये अपने को चेक करना था, ये अपने पास ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों हो तो उस रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोला जाता है बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। बस ऐसे बिल्कुल सिंपल सिंपल सम अपने पास होंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अभी सम करवाए आपको वो सारे आपको समझ में आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। फिर भी अगर कोई टेंशन हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए सम के अंदर, तो मेरा नंबर है, कमेंट कर देना, व्हाट्सअप कर देना, प्रॉब्लम सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। आपको मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो मैथ आपको आएगा। वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके साथ प्लस टू वाले बच्चे हैं उन सभी को। और इसके जो अपनी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर बेटा एक ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है प्लस टू से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। उसमें आपको पीडीएफ फाइल के अंदर नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हर प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी उसमें करवाई जाएगी, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, यही आपकी तरफ से मेरे लिए चार्ज होगा, यानी फीस होगी स्टूडेंट्स। और किसी भी प्रकार की कोई फीस और चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये मुहिम हमने स्टार्ट की है। तो स्टूडेंट जुड़े रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। तो कल मिलेंगे नए लेक्चर और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।